सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। गर्मी बढ़ते ही बत्ती गुल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ गर्मी का सितम है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की बढ़ी मांग और कोयले की किल्लत ने बिजली संकट को बढ़ा दिया है। 7 राज्य विद्युत कटौती पर मजबूर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में मध्य मार्च से ही गर्मी बढ़ गई थी, तो वहीं इस कारण इन राज्यों में बिजली की मांग एकदम से बढ़ गई और हर साल गर्मी के सीजन में देश में बिजली की मांग चरम पर होती है। लेकिन कोयले की कमी के कारण कई राज्यों में संकट गहरा गया है। देश के कई राज्यों में मध्य मार्च से ही लगातार गर्मी जारी है और ग्रीष्म लहर के कारण बढ़ी मांगों और इसी बीच पैदा हुई कोयले की किल्लत से बिजली की कमी हो रही है। तो एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ कोयले की कमी, तो वहीं मांग भी अपने चरम पर है। अगर बात करें उत्पादन की तो उत्पादन कम है लेकिन जो उसकी मांग है वो ज्यादा है। बात करें यूपी की तो यूपी में भी लगातार बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जो जनता है वो बेहाल हो रही है। अगर बात करें जाए चुनावी समय की तो चुनावी समय में यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा यही उठाया गया था कि बिजली हर वक्त दी जाती है, 24 घंटे बिजली दी जाती है, जहां सत्ता पक्ष ये कह रही थी कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। पिछली सरकारें जो 18 घंटे भी बिजली नहीं दे पाती थी, हम 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जहां एक तरफ कर्ज में डूबा हुआ है पावर कॉर्पोरेशन, जहां बिजली की मांग ज्यादा है, उत्पादन कम है और इस बीच इस तरीके के दावे वादे सामने आए थे। अब गर्मी शुरू हो गई है और ऐसे में बिजली का संकट फिर से गहराता जा रहा है। तो सबसे पहले सुनते हैं कि किस तरह के दावे वादे चुनावी समय में देखने को मिले थे और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। बसपा के शासन में ये बिजली रानी 24 घंटा आती थी क्या? जरा जोर से बोलो, आती थी रानी? आती थी क्या? योगी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने गांव में 20 से 24 घंटा बिजली भेजने का काम किया है। मित्रों, 20 से 24 आज तो हम कह सकते हैं जौनपुर में यहाँ के नागरिकों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। क्या आपको बिजली उपलब्ध है? 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले, कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पे एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। हमने 3 महीने पहले के बयान सुन लिए, किस तरह से कहा जा रहा था यूपी में कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से मांग है उससे भी कम बिजली मिल रही है, जहां कहा गया था कि गांवों में 13 घंटे 18 घंटे बिजली दी जाएगी लेकिन वहां पे 13 ही घंटे मिल पा रही है। शहरी क्षेत्रों में 21 घंटे की बात कही गई थी तो वहां 18 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। लेकिन चुनावी समय में दावे और वादे बहुत किए गए लेकिन जो स्थिति है वो बिल्कुल ही अलग है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सोलर पैनल की तरफ बढ़ेगा देश, और अगर जो ये परिस्थिति अगर ऐसी ही बनी रही तो आगे क्या होने वाला है। और इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ चर्चा के लिए। तो इसी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, दयाराम भार्गव जी हमारे साथ सुभाषपा से जुड़ चुके हैं और मनीष शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मनीष जी, जो ये संकट गहराता जा रहा है बिजली का, आखिर ये कब रुकेगा? क्योंकि हर बार बिजली की जो कमी देखने को मिलती है, संकट देखने को मिलता है, इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जब गर्मी आती है तो उस वक्त मांग ज्यादा हो जाती है, तो किस तरह से इस परेशानी से बाहर निकला जाए? आपने खुद अभी शुरू में कहा अपने में कि कोयले के विकल्प को देखना चाहिए। चमड़ा ये है जब देश में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, संकट भी उसी समय होता है। ये संकट कोई नया नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर गर्मियों में होता है।
गर्मियों के बाद में पिछले अक्टूबर में भी देखा 2021 में पिछले साल की एकदम से कोयले का संकट आ गया और पूरे विश्वव्यापी जो संकट के कारण बिजली की एक मांग थी वो उसमें बिल्कुल मांग बढ़ गई और बिजली की खपत जो है वो कम हो गई, उत्पादन गिरने लगा, कोयले का आयात की बात होने लगी, भारत में भी इस तरह का माहौल बना। लेकिन वो संकट जो है जब हमने उसको इसके थ्रू या एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू खरीदा तो उसके बाद में संकट उत्तर प्रदेश ने कुछ समय के लिए दूर कर लिया, वो समस्या दूर हो गई। आज आपके यहाँ थर्मल जितने भी प्लांट हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे हरदुआगंज हो, चाहे परीक्षा हो और उसके बाद में आपका ओबरा हो, यहाँ सब जगह थर्मल पावर प्लांट है जिनमें कोयले की खपत होती है। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय इस समय एक माहौल है जहां पर यूक्रेन और रूस के युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित है, तो कोयले की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ रही है, कोयला जो आयात हो रहा है वो भी बड़ी मुश्किल में है, इस समय संकट की घड़ी है। तो हमें विकल्पों की ओर भी इस ओर देखना पड़ेगा कि किस तरह से कोयले का विकल्प हम देखें, क्योंकि बिजली आप कोयला आयात करेंगे तो निश्चित रूप से बिजली महंगी होगी। आप देखिए कि इस समय उत्पादन जो है वो लगातार घटता जा रहा है, जहां मांग 21,000 मेगावाट की है प्रदेश में, वहीं 19,000 के लगभग एक उत्पादन हो रहा है, अपनी यूनिटें लगातार बंद होती जा रही है, तो ये संकट जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगा। तो इस संकट का स्थायी समाधान ढूंढने की अभी जरूरत है और प्रदेश सरकार मुझे लगता है इस दिशा में काम कर सकती है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो ऊर्जा के जो रणनीतिकार हैं वो इस दिशा में काम कर रहे होंगे कि संकट से किस तरह से निजात दिलाई जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि हम क्या सौर ऊर्जा की ओर बढ़ सकते हैं, आगे जो पैनल ऊर्जा है जिस तरह से घरों में की जा रही है, लोगों ने शुरू भी कर दिया, तो ये एक समाधान है और इससे हम सोच सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट में इस तरह का कोई इस तरह की पॉलिसी लाए कि आम जन तक ये योजना पहुंचे और सौर ऊर्जा का जो है उत्पादन तेजी से बढ़े। जी जी विवेक जी, जिस तरह से दावे और वादे किए गए थे अभी चुनाव के समय में कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 और शहरी क्षेत्रों में 21 घंटे बिजली देने की बात करी गई थी, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में 18 घंटे मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 13 घंटे बिजली मिल रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए शिखा जी, सरकार का जो दावा था सरकार उस दावे पे कायम है और उस दिशा में काम कर रही है। सरकार ने तय किया है कि 1,00,000 से अधिक आबादी जिन शहरों की है उन शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाए और उसके लिए सरकार जरूरी एहतियातन कदम उठा रही, जहां तार बदलने की जरूरत वहां तार बदल रही, जहां ट्रांसफार्मर बदलने की जरूरत है वहां ट्रांसफार्मर बदलवा रही है, ये सब काम मौके पे चल रहे हैं। जो आपको समस्या आ रही है वो इन्हीं कारणों से आ रही है और एक दूसरा कारण और है कि चूंकि इस समय जो वातावरण है इस समय दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, गर्मी प्रचंड होती है, जहां भी तार टूट के गिरा तहां फसलों में आग लगने की शिकायतें आती हैं, तो सरकार उस तरफ से भी एहतियातन कदम उठा रही है, जर्जर तारों को बदलवा रही है, ट्रांसफार्मर पे लोड बहुत ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर बदलवा रही, उनकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है ताकि लोगों को आगे आने वाले समय पे निर्बाध 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सरकार कर सके, इसलिए दिक्कत आ रही, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी अगर बात करें कि कर्जे की, तो कर्जे में भी कहीं ना कहीं डूबा हुआ है बिजली कॉर्पोरेशन, तो इसमें क्या कहेंगे, किस तरह से बिजली मुहैया कराएंगे और कर्ज से किस तरह से निकालेंगे? देखिए जो ये तो सत्य है कि सरकार महंगी बिजली खरीदती है और उसको कम दाम में देती है, कोयले का दाम भी इस दौरान बहुत बड़ा है जी। जो 7,000 रुपए मीट्रिक टन था वो बढ़ करके 22,000 मीट्रिक टन जा चुका है और हिंदुस्तान में 70% जो बिजली हम प्रयोग करते हैं वो कोयले पे आधारित है जी। थर्मल पावर है, तो ये सब समस्याएं तो हैं, इस पे आगे सरकार चिंतन मनन करके इसकी रूपरेखा बनाएगी किस तरह से उस घाटे को पूरा किया जाए और जनता को उचित मूल्य में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जी दयाराम जी, आप इस मामले में क्या कहेंगे, क्योंकि जब चुनावी समय था उस वक्त सपा ने भी कहा था कि जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो किसानों को भी 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो किस तरह से देते, जब यहाँ पे सत्ता आ चुकी है, सब काम का शुरू हो चुका है, बिजली का संकट देखने को मिल रहा है। जी आज उत्तर प्रदेश में बिजली संकट की समस्या पैदा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, ये लोग अगर सिस्टम सही करते तो शायद उत्तर ही प्रदेश में पूरे देश में जो 7 राज्यों की बात कर रही है ना, किसी भी राज्य में संकट बिजली का कहा था। अभी हमने आपको बताया, इन्होंने कहा हम खरीदते सस्ता देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है 60 पैसे यूनिट बिजली खरीदती है
7 से 7.5 रुपए यूनिट जो है ग्रामीण इलाके में, 7 रुपए शहरी इलाकों में जो है 8 रुपए यूनिट बेचती है। आप बताइए इनका डिस्टेंस देख लीजिए, यानी कि आप 60 पैसे खरीद के 7 रुपए 7.5 रुपए अगर बेच रहे हैं तो घाटे की बात कहाँ आती है। अब ये लोग इस चीज को चर्चा इस बात को नहीं करेंगे, इनके पूर्व में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री जो थे उन्होंने कहा था कि हमने जो है बिजली विभाग को जो है प्लस में ला के रख दिया। ये लोग बयान कहाँ दर्ज करा रहे हैं उसका, अरे प्लस नहीं किया था माइनस किया था। आपने देखा होगा उसी बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो उनका बीमा का रकम था जो ये अनलीगल तरीके से उस कंपनी के सारे पैसे जो है उठा करके किसी और मत में लगा करके उस पैसे को जो है उन कर्मचारियों को सत्याग्रह करने का काम सरकार ने किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कई चैनलों पर इससे बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पे जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। और सब श्री कांत शर्मा जी के ऊपर हम लोग जांच की बात कर रहे थे कि उनका जो मंत्रालय से निकाला जाए, उनको इस्तीफा दिलाया जाए, उनके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाया जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा ने कभी इस पर जांच बैठाने की हिम्मत ही नहीं उठाई। आप बताइए 7 पैसा खरीद करके 7.5 रुपए 8 रुपए यूनिट आप बेच रहे हैं तो बिजली विभाग में घाटा कैसे हो सकता है। दूसरी बात, कोयले की खदाने में आप देखिए जो पैसा है, इनके जो नए इनके तरीके हैं, पिछले सरकारों में ये भ्रष्टाचार दिखाते थे, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, कोल का भ्रष्टाचार दिखाए थे, लेकिन एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर भ्रष्टाचारी रहा है कोई जेल में नहीं है शिकारी, ये मेरा आरोप है। अगर पिछली सरकार के लोग भ्रष्टाचारी थे तो उनको जेल में होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। उस पर सरकार ध्यान ना करके केवल आकर के 7 से 7.5 रुपए होंगे। और आप देखिए मार कितना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को, बिजली के साथ में डीजल का रेट तो बढ़ा हुआ है, किसान उससे भी ज्यादा मार खा रहा है। अभी गेहूं का फसल तैयार है, गेहूं की फसल की जो है किसानों की मैं बात करता हूं, मैं तो अयोध्या से आता हूं, ग्रामीण इलाके से आता हूं, मेरी अपनी भूमि में जमीन की बात कर रहा हूं। अभी आप देखिए गेहूं की कटाई जो है 10.5 किलो का जो है पड़ने का दिहाड़ी है, अभी 10.5 किलो गेहूँ जो है लेबर काटने वाला लेता है, यानी हमारे यहाँ पूर्वांचल में देर पसेरी बोलते हैं, वो सुबह शाम सुबह में जो है 5 बजे जाता है, 7:30 बजे तक वापिस आ जाता है, शाम को 5 बजे जाता है, 7 बजे आ जाता है, यानी 5-6 घंटा कटाई है, एक लेबर का 10.5 किलो अनाज हो गया। उसके बाद जो अनाज की दौराही जिसे हम थ्रेसर में लगाते हैं, वो जो थ्रेसर लगाने वाला है वो 2 रुपए 2 किलो बिस्सा लगाता है, यानी एक बिस्से का अगर टाक लगाएगा 2 किलो लेगा। उसके बाद जो दाने वाला है गेहूँ को दौराई करने वाला दाने वाला जो है भूसे वाला जी। वो 2000 रुपए बीघा लेता है, यानी 2000 रुपए बीघा ये लगा लो कि फसल तैयार हो गई, इसकी लागत किसान की लगाइए, ये किसान की पीड़ा है। किसान ने जब फसल डाला खेत में, जुताई बुआई पानी लेबर और डीजल का जो खड़खाज मिट्टी का आप जोड़ लीजिए, आज मैं बता रहा हूँ मेरी खेती में जो हुआ है, मैं अनाज को ला करके जब मैंने जोड़ा तो मैं उसमें आधे का घाटा सह रहा हूँ, यानी 2 महीने जमीन की लागत में गेहूँ की लागत में जो पैसा लगाया था आज वो पैसा मेरा आधा ही वापस नहीं आया। इसीलिए जो देश के किसान जो है एमएसपी गारंटी के ऊपर बैठे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम कभी किसानों पर कुछ लेने को तैयार नहीं है। अभी ये कोयले की किल्लत दिखा रहे हैं, हमारे देश में भंडारण है भरपूर मात्रा में है, कैसे हो सकती है। 7 राज्यों की बात करते हैं, ये सरकार तो क्या नाम है कपड़ों से और चलने वालों को पहचान लेती की ये कमी है, इसको दुरुस्त किया जाए। तो कोयले की खदान अगर भरपूर मात्रा में हमारे देश में है तो कोयले की जो है वहाँ लोगों के सामने क्यों नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हमारे बीजेपी के प्रवक्ता इससे गोलमोल उठाने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है शिकायत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता मंत्री सांसद विधायक या कार्यकर्ता एक भी महंगाई के ऊपर डिबेट करने को तैयार नहीं है। आप चले जाइए ग्रामीण इलाके में जहाँ पर सब्जी का रेट जो गाँव में गरीब बसते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ हम लोग शहरीकरण में चकाचौंध में रहते हैं, लेकिन पूर्वांचल की धरती गांव में चले जाइए, जो लोग सब्जी उगा के खाया करते थे वो लोग आज नमक रोटी चटनी रोटी खाने को मजबूर है, ये किसकी देन है। हमें आपको केवल बांटों की राजनीति करके बिल्कुल किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ बिजली भी महंगी है दूसरी तरफ डीजल भी महंगा है। मनीष जी आप क्या कहेंगे, क्या बिजली विभाग में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्या इसी का नतीजा है जो कि 96,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है पावर कॉर्पोरेशन। अगर सरकारी गारंटी नहीं होती तो ये तो फिर दिवालिया हो जाता। नहीं
में एक तरह की मांगे भी उठती रही है, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि आप ये देखिए कि कोल इंडिया जो है वो बोल रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में हमने जो 14% एक्स्ट्रा जो है इनको कोयला दिया है जितने पावर प्लांट है, और वो बता रहे हैं कि अभी भी 25% से ज्यादा की कमी है, यानी जितना स्टॉक होना चाहिए मानक के अनुसार इस गर्मी में उसका केवल 25% ही है। तो कौन झूठ बोल रहा है, ये भी एक मॉनिटरिंग कमेटी, नियामक आयोग है, सरकार है, इन सबको देखना चाहिए कि व्यवस्था, अगर कोयला है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है तो वो कहां पर फिर इकाइयां इस तरह से ठप होती जा रही है, कोयले की कमी दर्शाई जा रही है, या कोल इंडिया उनको नहीं सप्लाई कर रहा है, किस तरह का एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ उस सिस्टम का मूल्यांकन भी होना चाहिए, और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था की एक बहुत सरकार है और जिसपे सरकार को काम करना चाहिए, और निश्चित रूप से ये समस्या आगे और बढ़ेगी अगर मान लीजिए इस संकट को नहीं रोका गया। सरकार अपनी दिशा से काम कर रही है, ऊर्जा मंत्रालय अपने बिल्कुल सक्रिय है, जिस तरह से भी उनको पॉलिसी बनानी चाहिए वो कर रहे होंगे, जो वैकल्पिक जो जिस तरह का सौर ऊर्जा के दिशा में भी काम करना है, लेकिन ये जो एक मॉनिटरिंग का काम है, नियामक आयोग का जो काम है, जिस तरह की डिमांड और सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस नजर आ रहा है उस अंतर को किस तरह से दूर किया जाए, इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। जी विवेक जी, सीएम योगी ने किसानों के लिए तोहफा दिया था कि उनके बिल में 50% की छूट दी जाएगी, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच रही है तो छूट का क्या करेंगे किसान? नहीं देखिए शिखा जी, सत्य नहीं है, बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ही सरकार इस समय काम कर रही है जी। और ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचे, शहरी इलाकों में जिनकी संख्या 1,00,000 तक है वहाँ 24 घंटे बिजली पहुंचे, वहाँ से डीजल जनरेटर हटाए जाए, तमाम इन सारे चीजों पे काम कर रही है, और दुर्घटनाएं ना हो, जर्जर तार बदल रही, ट्रांसफार्मर बदल रही, इस समय इसी पे काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, सरकार इसमें बहुत जोर शोर से काम कर रही है जी। विवेक जी एक सवाल और, कि कोयले की कमी हुई है या कोयला महंगा हो गया है? देखिए भारत के पास 319 अरब टन जो है वो कोयला है जी। लेकिन जो जिस तरह से कोयला महंगा हुआ है, 7,000 रुपए मीट्रिक टन से, प्रति मीट्रिक टन से ये 22,000 चला गया है दाम इसका, तो इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते कोयला जिस रेट में जा रहा है, और बिजली जैसा भी हमारे सुभाषपा के मित्र बता रहे थे कि बिजली घाटे में नहीं है, वो इतने में खरीद रही है, इनकी जानकारी मैं स्पष्ट कर दूं कि 22 रुपए प्रति यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती है, जिसको 7 रुपए में दे रही है, तो ऐसे में जो सरकार का घाटा है उस घाटे को किस तरह से सरकार पूरा करे वो भी उस सरकार के लिए चिंता का विषय है जी। केंद्र सिर्फ 7,000 मेगावाट बिजली ही दे रही है, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या केंद्र और मदद कर सकती है राज्यों की? नहीं, राज्य जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत, जितनी मांगेंगे उतनी केंद्र देगी जी। इतनी तो राज्य की मांगने की उस पे है, राज्य कितनी बिजली लेने की स्थिति में है राज्य सरकार, लेकिन यूपी तो और बिजली की मांग कर रहा है केंद्र से, कर रहा है, लेकिन अभी उसकी जो जमीनी हकीकत है स्ट्रक्चर दुरुस्त करने में उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है, ताकि जो सरकार ने संकल्प लिया है कि हम जो निर्बाध 24 घंटे बिजली देंगे 1,00,000 तक के शहरों को, संकल्प पूरा हो सके जी। और जिस तरह से विपक्ष होने के नाते कई मुद्दे भी उठाता है विपक्ष, और जिस तरह से इससे पहले कन्नौज में पूरा सोलर सिस्टम लगाया गया, वहां पे बिजली उत्पादन किया गया, तो क्या उस पद्धति को अपनाया जा सकता है, क्या सोलर सिस्टम को और आगे बढ़ाया जा सकता है यूपी में भी जिस तरह से बिजली का संकट देखने को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे विवेक जी? देखिए जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसपे तो सरकार काम कर ही रही है, जब से भारत सरकार आई तब से सोलर के उपकरणों पे सब्सिडी भी बढ़ाई गई, सोलर चाहे वो किसानों को प्रेरित किया गया कि आप सोलर से आधारित पंप लगाइए, आप सोलर प्लेट लगाइए बिजली के लिए, उसपे सोलर पे तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों अच्छी तरीके से काम कर रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप अपने घरों पे लगाइए, उसकी बिजली आप ट्रांसफर कर दीजिए, उसका आपको बिल में डिस्काउंट भी मिलेगा, ये सारे उपायों पे उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार सब काम कर रही है जी। इस पे तो काम चल ही रहा गैर परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा के, परंतु जो मूल बिजली की बात चल रही मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ जी। बिल्कुल दयाराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए अपनी बात रखिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे साथी कह रहे थे कि बिजली विभाग और लेन देन, हमको ये बताइए बगल का प्रदेश है दिल्ली प्रदेश, दिल्ली प्रदेश में 2 रुपए 10 पैसे यूनिट जो है सरकार दे रही है, साथ में फ्री भी है, इन्हीं की सरकार हरियाणा में है,
हरियाणा में 2.75 रुपए यूनिट सरकार दे रही है। आपको ये बताइए कि ये जिस तरह की क्या नाम वाक्या जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार कर रही है, बगल का पड़ोसी प्रदेश जो है वो जनता को जो है सस्ते में दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार 7 रुपए 7.5 रुपए 8 रुपए यूनिट बेच रही है, फिर भी अगर बिजली घाटे में जा रही है, कोल हमारा जो है घाटे में जा रहा है, आपका ये विभाग घाटे में जा रहा है, कहीं ये जांच का विषय है, संशय का विषय है कि सरकार महंगा बेच करके भी अगर ये घाटे में जा रही है तो ये सरकार के अंदर की क्षमता नहीं है, ये खुद भूल जा रही है कि कैसे सरकार को चलाए। मैंने कहा ना पिछली सरकार इनकी जो थी योगी सरकार की, श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में बिजली विभाग का घाटा आया था वापिस, लेकिन उससे जांच जो है सरकार नहीं कराई। विपक्ष ने कहा था कि जो है सीबीआई जांच बैठाई जाए, पूरा कार्यकाल श्रीकांत शर्मा जो है बिजली ऊर्जा मंत्री बने रहे। तो आज हमारे जो ये प्रवक्ता भाई कह रहे हैं, ये किस मुंह से कह रहे हैं? अरे आपका प्रदेश जो हरियाणा प्रदेश है वो प्रदेश जो खट्टरलाल मनोहरलाल खट्टरलाल का है, 2.75 रुपए यूनिट वो सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश में आप 7.5 रुपए 8 रुपए यूनिट बेच रहे हो, फिर भी आपका घाटा जा रहा है, ये कौन सा फार्मूला भैया आप हमको समझा दीजिए। जी मनीष जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की ये परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं उस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हमने बीजेपी और सुभाष पर दोनों का पक्ष सुना, उसको सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए मौजूदा संकट मुख्य रूप से कोयले को लेकर है। जी कोयले की कमी वहां पर बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के चारों प्लांट है, चाहे पारिछा हो, चाहे हरदुआगंज हो, अनपरा हो, उबरा हो, यहाँ की यूनिटें बंद हो रही हैं तो कोयले की कमी के कारण बंद हो रही है। अब इसमें कोल इंडिया की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और इन प्लांटों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कितने प्रतिशत इनको दिया जा रहा था और कितने प्रतिशत की कमी क्यों हो रही है। आखिरकार जब वो बोल रहा है हमने मांग से अधिक दिया गया है और उसके बाद ये कमी बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, इस चीज का भी एक जांच का ये विषय है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोयला की कमी है तो निश्चित रूप से कोयला आगे जो देखा जाएगा वो आयात की ओर देखा जाएगा, और अगर कोयला आयात होता है तो बिजली की दरें और बढ़ेंगी, ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस समस्या से हमें निकलना होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक रास्ता निकालना होगा जहां पर कोयले की अपनी जो है ये स्थानीय स्तर पर जितनी भी जो अपने पूरे अपने देश में जो कोयला मिल रहा है उसका सदुपयोग हो, सही वितरण प्रणाली उसमें स्थापित हो और एक नियामक हो कि पूरी मॉनिटरिंग होती रहे कि जो मिल रहा है उसका सही यूज हो रहा है, उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है। जी मनीष जी, पहले ही यूपी में सबसे महंगी बिजली मानी जाती है कि जो यूपी की बिजली है वो पहले ही सबसे महंगी है, और अगर इसमें और दाम बढ़ जाएंगे तो फिर जनता पे काफी भार आ जाएगा। अभी जो मीटिंग हुई, पूरी अभी मीटिंग हुई है, उसमें खुद मुख्यमंत्री ने भी हस्तक्षेप किया, पूरा स्पष्ट है कि अभी बिजली की दरें लगभग मतलब संभावना नहीं है कि बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी। सरकार ने यह भी कहा, गांव का जो उनका चुनाव का पहले का फैसला था वो भी वो पूरी तरह से उसको भी अनुपालन कराने के लिए उन्होंने पूरा दिशा निर्देश दे दिए हैं। उसके बाद में बिजली महंगी ना करने के भी अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई है, उसमें निर्देश दिए गए हैं। तो अभी इस तरह का तो कोई संभावना लग नहीं रही कि बिजली महंगी होगी, लेकिन ये संकट है, इस संकट को जल्द से जल्द इतना हल किया जाएगा क्योंकि हमने 2021 में देखा हुआ है, 2021 अक्टूबर में ये संकट अचानक पैदा हो गया था जब बिजली की पूरी आपूर्ति हो रही थी, अचानक एकदम से ठप होने की स्थिति आ गई थी, जो हमने चाइना का माहौल देखा था, पूरे देश में भी इस तरह की न्यूज आने लगी थी कि यहाँ पर भी बिजली का उत्पादन ठप हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन उससे भी एक चुनौती थी, उसको पार किया गया। तो जो एक एक्सचेंज प्रणाली है जहां पर ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसके थ्रू हम बिजली ले सकते हैं, या दूसरे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सौर ऊर्जा है, उसको भी हम लोग एक मतलब तेजी से उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो हर दिशा में काम करना होगा और निश्चित रूप से इस पे काम हो रहा है। जी दयाराम जी, यूपी में विदेश से कोयला आयात की बात चल रही थी जिस पर सरकार से आयोग ने जवाब भी मांगा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर विदेश से कोयला आएगा तो दरें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इससे आम जनता पे, किसानों पे काफी भार पड़ेगा, आपको क्या लगता है इसका क्या निवारण होना चाहिए? आज देश और प्रदेश में सच्ची सरकार की बात हो रही, ईमानदार की बात हो रही। शिखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी शिखा जी, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा, आज मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। आज देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के सबसे ज्यादा अगर किसी के पास क्या नाम धन गया है तो 1% लोगों पे 70% धन है, 1% लोगों पे 70%, और ये आंकड़े 2014 से लेके 2022 की बात हो रही है। आज ये सोचने का विषय है, वो 1% लोगों में जो है ये आठ साल में कैसे 70% चला जाता है धन, बाकी जो है 65 से 67% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। 67 करोड़ की मैं बात करूं तो गरीबी रेखा के नीचे हमारे देश में, इसकी चर्चा कोई करता नहीं है, यानी कि गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये सरकार सच्ची सरकार है, ये सरकार कहती है कि
रही है, मैं थोड़ा सा और आपको ले आगे ले जाना चाहूंगा। नोटबंदी से, जीएसटी से और क्या नाम है लॉकडाउन से हमारी 9 लाख कंपनियां बंद हुई है हमारे देश में। कितनी हुई है? 9 लाख कंपनियां। जो 9 लाख कंपनियां बंद हुई है, जहां पे बिजली सप्लाई होती थी वहां बिजली ठप है। उन 9 लाख कंपनियों में कर्मचारी जो काम करता था वो बाहर हो गया, बेरोजगार हो गया। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर 9 लाख कंपनियां बंद हुई है, वहां भी तो ऊर्जा क्या नाम है बिजली वहां प्रवाहित किया जाता था, बिजली लेती थी, वो कंपनियां बंद हो गई, डेड हो गई। जब वहां बिजली है ही नहीं है, तो इसी का तो चार सुखा करके उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी हमने गाँव में 24 घंटे दिया, शहरों में 24 घंटे दिया। आज कहाँ चला गया? वो कंपनियां अलीगंज की बंद हो गई है, उनको बिजली मिल नहीं रहा है। तो हमारे पास तो पर्याप्त बिजली की थी, तो आज कैसी किल्लत पड़ रही है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी ढकोसला करने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। वजह क्या है? हम जो चीज को देखना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उससे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग जाती है, हमें गोलमोल घुमा करके विपक्ष को गुमराह करने का काम करती है। इनका मेन मकसद है विपक्ष को केवल गुमराह करते रहिए, जनता में जो है एक सिजुबा छोड़ दीजिए और जनता को कुछ मिलना नहीं है। आप देखिए 2014 से लेकर के 2022 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों के लिए कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मैं शिखा जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या आय हमारी उन किसान भाइयों से पूछा हुआ? उस पर करते हैं, ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग केवल सिजुबा छोड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय विवेक जी इतने आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें, क्या जवाब देंगे जितने आरोप लग रहे हैं? सरकार की बात ये कर रहे हैं जी, बहुत हास्यास्पद है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम कर रही है, जर्जर तार बदल रही, ट्रांसफार्मर रिपेयर करवा रही है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। इस कारण से थोड़ा सा बिजली आपूर्ति में समस्याएं आ रही है। सरकार 24 घंटे 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों को बिजली देने पे काम कर रही है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो सरकार को कोसने के लिए लगे हुए हैं जी। इनके इस कोसने से कुछ होना जाना है नहीं। सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है ताकि 1 लाख तक की आबादी वाले सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। जिस तरह से हमेशा घाटे में ही रहता है बिजली विभाग और जितना कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसका क्या करेगी सरकार? क्या इसका भी निजीकरण कर दिया जाएगा इसे घाटे से निकालने के लिए बाकी चीजों की तरह? देखिए मैं इस पे अभी तक कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ये सरकार आगे चल के इसमें विचार करेगी कि घाटे से सरकार कैसे पार पाए। अभी सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि जो 1 लाख तक की आबादी वाले शहर हैं उनको 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो, वहां से जनरेटर हटाए जाएं ताकि जो वातावरण का प्रदूषण है वो कम हो सके। इस दिशा में सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है, और चूंकि यही मौसम ऐसा है कि इस समय सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती है, फसलें आग पकड़ लेती हैं, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में एहतियातन कुछ देर बिजली दोपहर में रोकी जाती है और इस दौरान जर्जर तार बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर रिपेयर का काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें सरकार काम कर रही, इनको काम दिखाई नहीं देता, ये आंख मूंद करके बस चिल्लाना जानते हैं चैनल पे। मनीष जी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से भीषण गर्मी हो रही है, आम जनता भी गर्मी में परेशान हो रही है, घंटों बिजली गुल हो जाती है, किसान भी परेशान हो रहा है, खेतों में पानी नहीं जा पाता है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है, डीजल भी महंगा है, तो इन सब परेशानियों से कैसे छुटकारा मिलेगा आम जनता को? देखिए इस समय तो तुरंत जो समस्या का समाधान है वो ये है कि उत्पादन बढ़ाया जाए बिजली का, चाहे वो कोयले के जरिए हो चाहे किसी भी जरिए, एक्सचेंज एनर्जी जो है उसकी पॉलिसी को लाया जाए। और ये जो 2000 यूनिट का जो 2000 मेगावाट का जो संकट है इस समय, 21,000-19,000 के बीच में जो संकट है कि इतनी बिजली कम उत्पादन हो रही है, तो पूरे जो अपने पावर प्लांट है उनमें उत्पादन तुरंत शुरू करने की जरूरत है, और इससे काफी हद तक संकट जो है वो दूर हो जाएगा। और अगर संकट दूर हो जाए फिर उसके बाद में आप एक लॉन्ग टर्म में पॉलिसी बनाइए जिसमें बिजली किस तरह से लोगों को सस्ती मुहैया हो, या बिजली की दरें बढ़े ना, जो आयात हो रहा है कोयला उस पर रोक लगे, ये सारी चीजें एक पॉलिसी बनाने की, उस पर सरकार का काम करने का एक बड़ा लॉन्ग टर्म वो है कि लंबे समय के लिए काम करेगी, तभी ये संकट जो है वो पूरी तरह से हल हो पाएगा जी। जी विवेक जी, तारे बदलने का काम तो किया जा रहा है, जहां पे भी आग लग रही है या फिर जो परेशानी आ रही है उनको दूर करने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो इकाइयां बंद हो गई है कोयले की कमी की वजह से, जहां पे उत्पादन कम हो गया है, उनके लिए क्या कदम उठा रही है सरकार? लेकिन जो कोयले की कमी की वजह से जो इकाइयां बंद हुई है उनको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार इन सारे मोर्चों पे डटी हुई है। सरकार
कहीं भी पीछे नहीं हट रही है। उन इकाइयों की मरम्मत करके दोबारा उनको चालू करने के लिए सरकार लगी हुई है, और उसके लिए सरकार आवश्यकता पड़ेगी तो बाहर से भी कोयला आयात करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन विषयों को कोई छोड़ रखा है। लेकिन बाहर से अगर आयात करा जाएगा कोयला तो उसके बाद तो बिजली के दाम और आसमान छूने लगेंगे। नहीं, उसमें सरकार ये देखेगी कि सरकार ने जो संकल्प पत्र दिया था चुनाव के समय बिजली पे, उस संकल्प पत्र का पालन करते हुए ही सरकार आगे काम करेगी। जी, तो कैसे मुहैया कराई जाएगी? बात तो कही गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है, लेकिन कटौती तो हो रही है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कटौती किन कारणों से हो रही है? दौरान मरम्मत हो रही है, दौरान रिपेयर हो रही है। मरम्मत में कितना समय लगता है? कितनी बार एक ही जगह पे मरम्मत की जरूरत पड़ती है? क्योंकि एक ही जगह पे कई कई बार बिजली कट रही है क्या सिखा जी? जैसे जिस लाइन को बदला जाता है तो पूरी लाइन एक बार में नहीं बदली जा सकती। कुछ दूर तक तार बदले गए, थोड़ी देर रोका गया लाइन को, फिर कुछ दूर बदले गए, फिर रोका गया लाइन को। इस तरह से काम होता है। आप सोचें कि 12 किलोमीटर की या 13 किलोमीटर की लाइन एक साथ सारे तार बदल दिए जाएंगे, ये संभव नहीं होता है। और इसी तरीके से सारे ट्रांसफार्मर एक साथ भी बदले जा सकते हैं। जिस दौरान जहां जहां पे रिपेयर वर्क होता है वहां के नाते उस लाइन की बिजली को रोका जाता है। ये प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के नाते आपको लग रहा है कि बार बार रिपेयर के लिए बिजली को रोकी जा रही है, लेकिन नहीं, वो आप ही सुविधा के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जी दयाराम जी, आप क्या कहेंगे इस मामले पे? जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, लेकिन ये कटौती नहीं मान रहे हैं विवेक जी, वो उनका कहना है कि सिर्फ रिपेयरिंग के लिए ही बिजली बंद की जाती है। देखिए, हम ये जानना चाह रहे हैं अपने साथी से, ये बता दे 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया, एक भी बिजली पावर इन्होंने प्लांट कहीं लगाया और लगाया तो 5 साल में चालू हुआ, इस पे हमें बता दे। ये लोग केवल गोलमोल गुमराह करने का काम करते हैं। मैंने कहा, अगर काम करने की क्षमता इच्छा शक्ति हो, जनता को खुश रखने की क्षमता हो और जनता को जो है गुमराह ना करें, तो शायद हमारे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता को जो चाहिए वो मिल जाए। इन्होंने धर्म के नाम पे, कई पंथ के नाम पे इन्होंने दो लोगों को गुमराह करने का काम किया। वोट लेना हुआ तो इन्होंने दिग्विजय छोड़ने का काम किया। जनता की जो मूलभूत सुविधा उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। हमने इनसे बताया ना, अगर बताइए, वही सब कुछ सिस्टम है, वही बगल का दिल्ली प्रदेश है वो 10 रुपए 10 पैसे यूनिट दे रही है, वही इनके प्रदेश का हरियाणा प्रदेश है वो 2 रुपए 75 पैसे यूनिट दे रही है, वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है 7.5 रुपए 7 रुपए यूनिट दे रही है, तो फिर ऊर्जा मंत्रालय में घाटा कैसे आ गया भाई? क्यों घाटा आ गया बताइए हमको? यदि एक सरकार दे सकती है, ये सरकार लूटने इतना लूटने के बावजूद भी ये सरकार नहीं दे सकती, इसका मतलब ऊर्जा मंत्रालय में भी दिखा जी बहुत जबरदस्त घोटाला है। और कर्ज के कारण जो है ये योगी सरकार का फेलियर नजर आता है। ऊर्जा मंत्रालय जिसको दिया गया है, ये सीएम और ऊर्जा मंत्री दोनों के दोनों दोषी है। मैं तो ये मांग करूंगा कि इनके ऊपर सीबीआई जांच हो कि हमारे देश में कोल का भंडारण होने के बावजूद भी बिजली संकट क्यों हमारे देश में पैदा हो रही है। जी मनीष जी, ये जो इस वक्त देश में संकट उत्पन्न हुआ है बिजली का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर इसका भी निजीकरण हो जाएगा, जिस तरह से घाटे में चल रहा है पावर कॉर्पोरेशन, अगर इसका निजीकरण होता है तो कहीं ना कहीं तब भी दरें बढ़ेंगी। अगर हम विदेश से आयात करते हैं कोयला तब भी दरें बढ़ेंगी। लोग सोलर की तरफ तो भविष्य में बढ़ेंगे ही, लेकिन जो परिस्थिति है उससे निकलने का क्या कोई और रास्ता है? समाधान नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी इस तरह की बातें हुई कि निजीकरण किया जाए बिजली विभाग का, और कई जगह पे शुरुआत भी हुई, लेकिन वो वाइबल नहीं रहा। वो उस तरह का उसका जो रिजल्ट आने थे वो नहीं आया, क्योंकि भारत में खास तौर पर उत्तर प्रदेश या उत्तरी राज्यों में जो है वो जनहित की योजनाएं हैं, और ये सब्सिडी जो है इस तरह की जो लागू की जा रही है उससे जो है डायरेक्ट जो उपभोक्ता है, गरीब तबका है, किसान है, वो सीधे तौर पे प्रभावित होगा, और वो जो है एक गलत संदेश जाएगा, और सरकार उस दिशा में मुझे नहीं लगता है कि काम करना चाहेगी। तो समस्या का समाधान फिलहाल यही है कि कोयला जो है वो जो प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनको तुरंत उपलब्ध कराया जाए, और कोयला किस तरह से आएगा, कहां से आएगा, ये गंभीर बात हो सकती है, क्योंकि भारत और इस समय सॉरी रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है उसके बाद में जो कोयले की दरें हैं वो बढ़ती गई है, लगातार महंगाई जो है वो बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इस समय कोयले के रेट बिल्कुल आसमान छू रहा है। भारत
अगर कोयला बाहर से आयात करता है तो निश्चित रूप से महंगा कोयला आयात होगा, उत्तर प्रदेश को जो मिलेगा वो भी महंगा कोयला मिलेगा, तो उत्पादन भी महंगा हो जाएगा, उसके बाद में दरें भी बढ़ने की एक आशंकाएं रहेंगी। तो या तो हम पावर प्लांट से उनको नए पावर प्लांट खोलें और जो स्थानीय स्तर पर कोयले की उसकी सप्लाई करें, उसके बाद में जो ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा है या अन्य जो स्रोत है उनके विकल्पों को तेजी से इंप्लीमेंट लोगों के बीच में कराएं, गांव तक सौर ऊर्जा ले जाएं। और सरकार का खासतौर पर मोदी सरकार का तो विजन ही था कि सौर ऊर्जा का जो उन्होंने पूरा गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बनाया, गुजरात में प्लांट जिस तरह के लगाए गए तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की संभावना है और लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही होगी। तो निश्चित रूप से अगर काम होता है तो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा तो अपने आप ही समस्या दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए थे, बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी और दयाराम भार्गव जी सुभाषपा से, मनीष शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े थे। तो हमने चर्चा करी कि आखिर बिजली के लिए जो चुनाव में दावे वादे किए गए थे उसका क्या हाल है, जिस तरह से गर्मी में मांग बढ़ गई है, बिजली संकट भी बढ़ गया है और हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है कि जिस तरह से बिजली की मांग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट और बाकी अन्य वजह से आग लगती है और लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करी जाए बिजली विभाग की तो वहां पे भी कहीं ना कहीं संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है और जो इकाइयां हैं वो बंद हो रही है लगातार या फिर वहां पे उत्पादन कम हो रहा है और इसकी वजह से मांग से भी कम उत्पादन हो रहा है। कई तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नए प्लांट लगाने की जरूरत है, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, बिजली बर्बादी ना करी जाए, सोलर सिस्टम जो सोलर पैनल है उसका उपयोग करके हम आसानी से अपने जीवन को सुगमता से चला भी सकते हैं और साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।